नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर विजयन गोविंदा गुप्ता, नई दिल्ली इंडिया में एक एंड्रोलॉजिस्ट और पुरुष रोग विशेषज्ञ। आज हम बात करेंगे कि पेनिस इम्प्लांट आप कराने की सोच रहे हैं तो आपके मन में पक्का डर होगा कि पेनिस इम्प्लांट में बहुत दर्द होगा, बहुत खून बहेगा, कितना काम करेगा, पेशाब कैसे करूँगा, कितने दिन पर काम कर जा सकता हूँ। तो आज का टॉपिक मैंने बनाया है कि पेनिस इम्प्लांट के बाद रिकवरी, कि आपने पेनाइल इम्प्लांट के बारे में सोच लिया है, बहुत बढ़िया है, अब सोच लिया है तो कराने का भी है, पर कराने में कितना दर्द होगा, कितना खून बहेगा, कितने दिनों बाद पेशाब कर पाओगे, कितने दिनों बाद चल पाओगे, कितने दिनों बाद काम कर पाओगे और कितने दिनों के बाद सेक्स कर पाओगे। तो पेनिस इम्प्लांट कराया है तो ऑब्वियसली सेक्स तो करना ही है, तो सेक्स के अंदर क्या उतना ही मज़ा आएगा, क्या हमारा सीमन का डिस्चार्ज होगा, या अगर सपोज सीमन का डिस्चार्ज हो रहा है तो क्या मैं बाप बन सकता हूँ, क्या मैं सेक्स कर सकता हूँ। तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर आज के वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो पेनिस इम्प्लांट माने कि एक रॉड जो हमने पेनिस में लगा दी है इरेक्शन के लिए। कई बार मरीज होते हैं सालों साल इरेक्शन से परेशान होते हैं, लाखों रुपए खर्च कर चुके होते हैं, दवाइयाँ काम नहीं कर रही, इंजेक्शन काम नहीं कर रहे, पंप काम नहीं कर रहे, तो फाइनली थक हार के जब हम डॉपलर करते हैं उसमें कोई ब्लड सप्लाई नहीं है, पेनिस में उत्तेजना नहीं है, तो उन केसेस में पेनिस इम्प्लांट आपके लिए सबसे बेहतर और सबसे बेहतरीन ऑप्शन है, जो आपके अंदर लाइफ में एक बहुत ही अच्छी सेक्स लाइफ आपको दे सकता है। इम्प्लांट कई तरह के आते हैं जिसके बारे में मेरे अलग वीडियोस हैं। आज हम बात करेंगे, आपने इम्प्लांट तो करवा लिया, आप इम्प्लांट के बाद आपकी रिकवरी कैसे होगी और दिक्कतें आएगी नहीं आएगी। पहला है कि पेनिस इम्प्लांट की सर्जरी में टाइम कितना लगता है। तो पेनिस इम्प्लांट की अगर सर्जरी देखें, अगर हम डाल रहे हैं इंडियन मैलेबल इम्प्लांट, तो टोटल लगते हैं 35 से 40 मिनट नेट। इस टाइम के अंदर इम्प्लांट पेनिस में डल जाता है। और अगर हम डाल रहे हैं अमेरिकन इम्प्लांट जिसमें तीन पार्ट होते हैं, तो उसमें 15-15 मिनट और लगा लीजिए, तो अराउंड 50 से 52 मिनट के अंदर इम्प्लांट की सर्जरी पूरी हो जाती है। ठीक है, अब ये इम्प्लांट की सर्जरी हम नॉर्मली करते हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया में, मतलब कि आप मरीज के कमर में एक छोटी सुई लगाते हैं ताकि मरीज का जो नाभि है उसके नीचे का पूरा हिस्सा सुन हो जाए और उसके बाद हम इम्प्लांट डाल देते हैं। तो मरीज के सिर्फ 2 या 3 घंटे के लिए पैर काम नहीं करते, मरीज की सर्जरी हो जाती है, मरीज को हम रूम में शिफ्ट कर देते हैं, 3 घंटे बाद जब पैरों में जान आनी चालू होती है तो मरीज अपना चल फिर सकते हैं। मरीज को बेड पे रेस्ट करने की ज़रूरत सिर्फ पहले 5-6 घंटे है, 5-6 घंटे के बाद मरीज को खड़ा कर देते हैं, उसको चलाना चालू कर देते हैं, मरीज फिर नॉर्मल रूप में अपना चल फिर सकता है। इस इम्प्लांट सर्जरी के दौरान जो ब्लड लॉस है, देखिए पेनिस है, पेनिस में ब्लड ऑर्गन है, जब उसमें छेद करेंगे तो ऑब्वियसली थोड़ा ब्लड निकलेगा, पर अगर नापा जाए तो पूरी सर्जरी के अंदर मुश्किल से 2 मॉप मतलब कि 40 से 50 ml जो ब्लड है वो जाता है। ज़्यादातर जो दिखता है सर्जरी में सारा जो ये ब्लड नहीं है, जो बेसिकली हम इरिगेशन इस्तेमाल करते हैं, जो हम पानी इस्तेमाल करते हैं अंदर के रीजन को धोने के लिए, इस कारण से लगता है कि बहुत खून गया है, पर अगर आप नापें तो 50 ml से ऊपर खून नहीं जाता। अगर हम मरीज का हीमोग्लोबिन कराएं सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद, तो सर्जरी के पहले अगर 12.5 होगा तो सर्जरी के बाद 12.5 ही रहेगा, 12.4 हो सकता है, उससे ऊपर ब्लड लॉस इस सर्जरी में होता नहीं। सर्जरी के बाद पेन, नॉर्मली सर्जरी के बाद मरीजों को पेन नहीं होता, क्योंकि आजकल बहुत बेहतरीन पेन किलर्स है दे देते हैं, तो मरीज को एक पैसे का दर्द नहीं होता। हाँ, जब मरीज को हम चलवाते हैं थोड़ा डिस्कम्फर्ट, ऑब्वियसली इम्प्लांट डला है, थोड़ा डिस्कम्फर्ट, थोड़ा भारीपन रहेगा, पर वो टॉलरेबल होता है और वो दिन प्रतिदिन हफ्ते 10 दिन के अंदर गायब हो जाता है। सर्जरी के बाद जो टाके लगाते हैं वो टाके नॉर्मली अपने आप घुल के निकल जाते हैं, और टाको जो लगता है, जो छेद करते हैं हम, वो मुश्किल से 1-1.5 इंच के छेद से हम इम्प्लांट को डाल देते हैं, तो 2 इंच का जो कट है उसके अंदर मुश्किल से 4 या 5 टाके लगते हैं और वो टाके अपने आप घुल के निकल जाते हैं। इम्प्लांट के बाद नॉर्मली कोई सोजिश वगैरह नहीं आती है, पेशाब मरीज अपने आप नॉर्मली इम्प्लांट डलने के अगले दिन से चालू कर सकता है, क्योंकि पहले दिन हम नलकी डालते हैं पेशाब की, वो नलकी अगले दिन निकल जाती है, उसके बाद मरीज अपना नॉर्मल पेशाब टट्टी कर सकता है। मरीज को नॉर्मली नहाने के लिए हम 2 दिन बाद अलाउ कर देते हैं, जो टाके वाला एरिया है, छोटा सा एरिया है, उसको गीला नहीं करना होता, उस पर हम नॉर्मली एक बैंडेड लगा देते हैं ताकि उसके ऊपर पानी लगे, बाकी मरीज 2 दिन बाद नॉर्मली अपना नहा सकता है। तो पेशाब 1 दिन के बाद, नहाना 2 दिन के बाद, चलना सेम डे, खून लॉस होता नहीं है, दर्द खास होता नहीं है। 3 दिन के बाद मरीज जो है वापस अपने घर शहर जा सकता है, तो उसको दिल्ली में भी 3 दिन से ऊपर रुकने की ज़रूरत नहीं है।
नॉर्मली इम्प्लांट के बाद 1 महीने बाद वापस बुलाते हैं मरीज को, ताकि मैं वो देख सकूं कि उसका इम्प्लांट कैसा है। और हम नॉर्मली मरीज को 21 दिन से 1 महीने के बाद सेक्स करने के लिए अलाउ कर देते हैं। शुरुआती टाइम में जब सेक्स करेगा, जब धक्के लगाएगा, तो इम्प्लांट रॉड जो है पेनिस के थोड़ी सी हिलती है, इस कारण से मरीज को थोड़ा डिस्कम्फर्ट, थोड़ा पेन हो सकता है, पर ये पेन, ये डिस्कम्फर्ट जो है धीरे धीरे चले जाता है। जब मरीज को उत्तेजना होती है, सेक्स करता है, सेक्स में इंजॉयमेंट आता है, तो मरीज सारे पेन दर्द भूल के अपने इम्प्लांट को इंजॉय करता है। नॉर्मली इम्प्लांट के बाद भी आपका सीमन, आपका सफ़ेद पानी, आपकी धात निकलेगी, आप फादर बन सकते हैं, बच्चे कर सकते हैं। हम इम्प्लांट में आपकी गोलियाँ, आपके टेस्टोस्टेरोन, आपके टेस्टिस, आपके धात के रास्ते को हाथ भी नहीं लगाते हैं, हम सिर्फ आपकी पेनिस की रॉड में 2 इम्प्लांट डाल देते हैं। सेक्स आप नॉर्मली करोगे, बच्चे आप कर सकते हो। सेक्स में आपको जितना आनंद आता पहले, उतना आनंद बाद में है, क्योंकि इसमें आपका हम कोई सर्कमसीजन, खतना कुछ नहीं करते। आपका लिंग जैसे पहले था वैसे बाद में है, इम्प्लांट अंदर है तो बाहर रूप में सख्तपन आ जाता है, पर पेनिस सेम का सेम है, तो जितनी आपको इंजॉयमेंट है, सेंसेशन है, सब पर्याप्त रहता है। एक फ़ायदा ये होता है इम्प्लांट के बाद कि इम्प्लांट होने के बाद मरीज का सेक्स टाइम बढ़ जाता है, तो जिन मरीजों को ज़िंदगी भर जल्दी डिस्चार्ज, जल्दी छूटने की प्रॉब्लम रहती है, उन मरीजों को टाइमिंग अच्छा मिल जाता है, उस कारण से वो एक अच्छा आनंदपूर्वक सेक्स कर सकते हैं। एक फ़ायदा और है कि अगर आपका सपोज खलन हो भी गया है 4 या 5 मिनट के बाद, क्योंकि आपका इम्प्लांट है और लिंग पूरे तनाव में है, तो जब तक आपके पार्टनर को, आपकी वाइफ को, गर्लफ्रेंड को, दोस्त को संतुष्टि नहीं मिलती, वो आपके इम्प्लांट से आप कंटिन्यू स्ट्रोक लगा सकते हैं, उस कारण से उनको भी अपनी पूरी एक संतुष्टि जो है वो मिल जाती है। तो इम्प्लांट एक अत्याधुनिक तरीका है आपके इरेक्शन को ठीक करने का। इम्प्लांट सर्जरी अति सेफ है, इसके अंदर बहुत अच्छी रिकवरी है, बहुत जल्दी इसके अंदर आपको फ़ायदा मिलता है। पर इम्प्लांट सर्जरी बहुत ज़रूरी है वहाँ से कराए जहाँ पर कम से कम साल की 400-500 इम्प्लांट सर्जरी होती हो, क्योंकि ये सब फ़ायदे तभी मिल सकते हैं जब जो सर्जन इम्प्लांट सर्जरी कर रहा है वो इसको तरीके से करे और फास्ट करे। मेरे यहाँ बहुत सारी सर्जरीज होती है तो हमारी टाइमिंग फास्ट है, हम 20-25 मिनट में सर्जरी ख़त्म कर देते हैं, कॉम्प्लिकेशन रेट कम है, मरीज में कौन सा इम्प्लांट डलेगा, कैसे डलेगा, किस शेप में, साइज़ में डलेगा, हर चीज़ सोचना समझना बहुत ज़रूरी है। तो अपने इम्प्लांट सर्जन को चूज़ करने से पहले ये सब रिसर्च करना ज़रूरी है। मैं डॉक्टर विजयन गोविंदा गुप्ता आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे वीडियोज़ देखने के लिए। इस वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, ईमेल कीजिए, फेसबुक पर बात कर सकते हैं, दिए गए नंबर पर भी फ़ोन करके मुझसे संपर्क किया जा सकता है। मेरे वीडियो को सुनने के लिए थैंक यू सो मच। नमस्कार, स्टे हेल्दी।